1217 में आज ही के दिन फ्रांसीसी सम्राट लुई ने ब्रिटेन के महाराजा हेनरी द्वितीय से शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1398 में आज ही के दिन तैमूरी सल्तनत का शासक तैमूर लंग सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। 1635 में आज ही के दिन स्वीडन और पोलैंड ने संघर्ष विराम संधि पर हस्ताक्षर किए। 1703 में आज ही के दिन सम्राट लियोपोल्ड को स्पेनिश विरासत से हटाया गया। 1722 में आज ही के दिन फारसी में बाकू और डरबेंट पर रूसी सैनिकों ने कब्जा किया। 1758 में आज ही के दिन फ्रांसीसी खगोलविद चार्ल्स मैसियर ने क्रैब नेबुला को गलत तरीके से पहचानते हुए अपना मैसियर कैटलॉग शुरू किया। 1786 में आज ही के दिन लॉर्ड कार्निवालिस भारत के गवर्नर जनरल बने। 1873 में आज ही के दिन पहला व्यवहारिक टाइपराइटर ग्राहकों को बेचा गया। 1909 में आज ही के दिन जर्मन रसायन शास्त्री फ्रिट्ज हॉफमैन ने सिंथेटिक रबर का पेटेंट हासिल किया। 1922 में आज ही के दिन पावो नुर्मी ने 5000 मीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 1930 में आज ही के दिन लॉस एंजलिस में ईस्टर्न कोलंबिया बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। 1931 में आज ही के दिन महात्मा गांधी गोल में सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन पहुंचे। 1944 में आज ही के दिन अमेरिकी सेना ने पहली बार जर्मनी में प्रवेश किया। 1959 में आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत संघ का रॉकेट लूना 2 चांद पर पहुंचा। 1966 में आज ही के दिन भारतीय तैराक मिहिर सेन ने डार्डानेल्स जल डमरू मध्य को तैरकर पार किया। 1968 में आज ही के दिन अल्बानिया ने खुद को वारसा संधि से अलग करने की घोषणा की। 1987 में आज ही के दिन इथियोपिया ने अपना संविधान अपनाया। 2007 में आज ही के दिन रूस ने नॉन न्यूक्लियर वैक्यूम बम इको फ्रेंडली बम का परीक्षण किया। 2015 में आज ही के दिन ब्रिटेन में जेरेमी कॉर्बिन लेबर पार्टी के नेता चुने गए।